हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा तिवारी और स्वागत है आपका द बिंज लिसनर्स में। और आज हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रख्यात शिक्षक, विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कुशल रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय हैं। यहां हम प्रस्तुत करेंगे चाणक्य नीति के 6 अध्याय को। चाणक्य नीति 6 अध्याय। नंबर 1, मनुष्य शास्त्रों को सुनकर या पढ़कर धर्म को जानता है, मूर्खता को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करता है तथा गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करता है। नंबर 2, पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में दूसरों की निंदा करने वाला चंडाल अर्थात नीच होता है। नंबर 3, कासे का पात्र राख द्वारा मांजने से शुद्ध होता है, तांबे का पात्र खटाई के रगड़ने से शुद्ध होता है, स्त्री रजस्वला अर्थात मासिक धर्म होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति से बहने से निर्मल हो जाती है। नंबर 4, प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाला योगी और देश प्रदेश में ज्ञान का प्रचार करने वाला विद्वान सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। नंबर 5, मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है उसकी बुद्धि उसी के अनुसार होती है, वह काम धंधा भी वैसा ही चुनता है और उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। नंबर 6, काल ही पंचभूतों पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को पचाता है और काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं है कि काल बड़ा बलवान है एवं काल को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। नंबर 7, जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है और जो पैसे के पीछे पड़े रहते हैं उनको अपने कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। नंबर 8, जीव स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है, वह स्वयं ही संसार की मोह माया में फंसता है और स्वयं ही उसके बंधनों से छूटता भी है। नंबर 9, राजा को अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को भोगना पड़ता है, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। नंबर 10, कर्जदार पिता अपनी संतान का शत्रु है, बुरे आचरण वाली माता भी शत्रु है, सुंदर स्त्री अपने पति की शत्रु है और मूर्ख संतानें अपने माता पिता के शत्रु है। नंबर 11, लोभी को धन देकर, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार से और एक विद्वान को सच्चाई से वश में करना चाहिए। नंबर 12, जिसके पास धन है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव भी होते हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष होता है और वही पंडित भी कहलाता है। नंबर 13, दुष्ट राजा के साथ रहने से बिना राज्य के रहना उत्तम है, दुष्ट मित्र से बेहतर बिना मित्र के रहना अच्छा है।
नीच शिष्य को ग्रहण करने से बिना शिष्य के रहना ठीक है और दुष्ट स्त्री के साथ रहने से बिना स्त्री के रहना ज्यादा उचित है। नंबर 14, दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख कहां, दुष्ट मित्र से शांति कहां, दुष्ट स्त्रियों से घर में सुख कहां, दुष्ट विद्यार्थियों को पढ़ाने से यश कहां, अर्थात ये सभी दुख देने वाले हैं, इनसे सदैव अपना बचाव करना चाहिए। नंबर 15, मनुष्य को शेर और बगुले से एक एक गुण, गधे से 3 गुण, मुर्गे से 4 गुण, कौवे से 5 गुण और कुत्ते से 6 गुण सीखने चाहिए। नंबर 16, शेर से यह गुण अवश्य लेना चाहिए कि काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए, उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए, जैसे शेर पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता। नंबर 17, सफल व्यक्ति वही है जो बगुले के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखकर समय और क्षमता का पूरा ध्यान रखते हुए अपने सभी कार्यों को पूर्ण करता है। नंबर 18, अत्यंत थक जाने पर भी काम करते रहना, सर्दी गर्मी का विचार न करना तथा सदा संतोष पूर्वक अपना जीवन विचरण करना, ये 3 बातें हमें गधे से सीखनी चाहिए। नंबर 19, मुर्गे से ये 4 बातें सीखें, समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं चढ़ाई करके किसी से अपने भोजन को प्राप्त करना। नंबर 20, प्रेम या प्रणय गुप्त स्थान पर करना, छिप कर चलना, समय समय पर सभी उपयोगी वस्तुओं को संग्रह करना, सभी कार्यों में सावधानी बरतना और किसी पर आसानी से विश्वास न करना, ये 5 बातें हमें कौवे से सीखनी चाहिए। नंबर 21, बहुत भोजन करने की शक्ति रखना लेकिन थोड़े भोजन में ही संतुष्ट रहना, अच्छी नींद लेना परंतु जरा सी आहट पर ही जाग जाना, अपने स्वामी से प्रेम करना और वक्त आने पर शूर वीरता दिखाना, इन 6 गुणों को कुत्ते से सीखना चाहिए। नंबर 22, जो मनुष्य उपरोक्त 20 गुणों को अपने जीवन में उतार कर उनका आचरण करेगा वह सदैव सभी कार्यों में विजय प्राप्त करेगा और जीवन की कसौटी पर खरा उतरेगा। तो ये था चाणक्य नीति का 6 अध्याय, चाणक्य नीति के 6 अध्याय की सीख। आचार्य ने 6 अध्याय में कहा है कि शास्त्रों का जीवन में अत्यंत महत्व है, लेकिन उसकी भी एक विधि है, गुरु मुख से सुनकर ही उसका वर्ण करना चाहिए, क्योंकि सुने हुए वचनों को जीवन में धारण करने से भटकाव समाप्त होता है और एक निश्चित दिशा मिलती है, मनुष्य जीवन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसीलिए मनुष्य को अपना जीवन शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, न कि दूसरों की निंदा करने में। जिस मनुष्य के पास धन है सभी उसके भाई बंधु मित्र बनने को तैयार हो जाते हैं और उसे ही श्रेष्ठ पुरुष मान लिया जाता है। इस संसार में समय ही ऐसी वस्तु है जिसे टाला नहीं जा सकता। सामान्य जीवन में आने वाली परेशानियों से निपटने के उपाय भी बताए हैं, जैसे कि अगर किसी को लोभी व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो उसे धन देकर विद्वान को अपने मधुर व्यवहार से और एक मूर्ख को उसके अनुकूल व्यवहार से वश में किया जा सकता है। मनुष्य को शेर, बगुले, गधे, मुर्गे, कौवे और कुत्ते से भी कुछ गुण सीखने चाहिए और आचार्य के अनुसार जो व्यक्ति इन बताए गए गुणों को धारण कर लेता है उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती ही है एवं सफलता की कामना करने वाले को चाहिए
कि वह इन गुणों को अपने जीवन में विशेष ध्यान दे। इनके आधार पर हम अपनी संभावनाओं को भी आंक सकते हैं। कुछ जरूरी नोट। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य द्वारा स्त्री विशेष, जाति विशेष और धर्म विशेष के लिए कहे गए कुछ सूत्र वर्तमान समय के संदर्भ में इतने सही प्रतीत नहीं होते हैं। ये कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हैं, क्योंकि ये नीतियां आचार्य चाणक्य के समय में हुई घटनाओं और उनके पूर्वानुभवों पर आधारित है। हमने उनके विचारों को ठीक वैसे ही प्रकाशित किया है जैसा आचार्य चाणक्य ने लिखा था। ऐसे ही मजेदार और अच्छे कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल द बिंज लिसनर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी विषय के बारे में जानना और सुनना पसंद करते हैं, या आप भी कुछ अच्छा लिखते हैं और चाहते हैं कि हम उसे हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत करें, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।